नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल फिनॉइज पे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। नोटिफिकेशन घंटी का बेल जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी हम लोग कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आज हम लोग जो वीडियो बनाने वाले हैं उसके पहले यहाँ पे आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, स्क्रीन पे देख लीजिए अच्छी तरह से। हो सकता है कि आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि जब भी आप कोई स्टॉक लेते हैं या फिर सेल करते हैं उसके पहले आप खुद से रिसर्च जरूर करेंगे। जैसे कि पता है दोस्तों, हम लोग जो हमेशा हमारे यूट्यूब चैनल पे बोलते हैं कि जब भी आप कोई स्टॉक लेते हैं या फिर उसको सेल करते हैं खुद से आप रिसर्च कीजिए उसके ऊपर। अभी यहाँ पे सेवी जो है, कुछ दिन से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सेवी से आ रहे हैं और ऐसे कुछ कंपनीज है जैसे कि आलोक इंडस्ट्री, उसके ऊपर भी जो है सेवी ने पेनल्टी लगाया। यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं परिचय इन्वेस्टमेंट में 16 आरोपियों पर सेवी ने 1.2 करोड़ रुपये का पेनल्टी लगा दिया है। सेवी जो इतने सारे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं मार्केट को, उसका रीज़न यही है कि जब भी कोई इन्वेस्टर पैसा लगाए खुद से उसको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है कि शेयर का भाव जो है 36 रुपये से बढ़कर 399 रुपये तक पहुँच गया, उसके बाद शेयर का भाव जो है 19 रुपीज़ में आ गया। अगर आप यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, आप यहाँ पे देखिए, बहुत बार ऐसा होता है हम लोग जब शेयर खरीदते हैं लगता है कि चलो भाई 10 रुपया या फिर 20 रुपये का स्टॉक है, खरीद लेते हैं, उसके बाद कुछ ही दिन में स्टॉक में जो है ऐसा दिखाई देता है कि 100-200 रुपये पहुँच जाता है, उसके बाद स्टॉक में फिर से एक डाउन ट्रेंड देखने के मिलने के बाद वो स्टॉक जो है 9 या 10 रुपये में फिर से वापस आ जाता है। ये जो है चीज़ सेवी में या फिर स्टॉक मार्केट में बहुत दिन से चल रहा है या फिर ऐसे बहुत सारे एजेंसी से जो ऐसे करते हैं। अभी यहाँ पे सेवी ने से जो इन्फॉर्मेशन आया है वो भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, हो सके तो वीडियो को स्किप मत कीजिए ताकि आपको जब भी नेक्स्ट टाइम आप कोई स्टॉक लेंगे नेक्स्ट टाइम या फिर कोई भी स्टॉक सेल करेंगे आप खुद से उसमें रिसर्च करेंगे। यहाँ पर बताया गया कि सेवी ने कोई मामले में शेयर में खेल करने वाले 66 आरोपियों पर 2.43 करोड़ रुपये का पेनाल्टी लगा दिया है। तो यहाँ पे जो है सेबी, जैसे कि कुछ आरोपियों या फिर जो एजेंसी है उन लोगों को पेनल्टी लगाते हैं, उसका मतलब यह नहीं है कि वो लोग बिना जांच करके लगाते हैं, सबको पता है। सेबी जो है जांच करते हैं अच्छी तरह से और जैसे ही देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में कुछ तो घोटाला हो रहा है, ऐसा कुछ तो घोटाला हो रहा है, उसके बाद ये लोग रिसर्च करने के बाद जो लोग उसमें आरोपी निकलते हैं उसको जो है पेनल्टी करते हैं या फिर बहुत टाइम उन लोगों का लाइसेंस भी कैंसिल करता है। जैसे कि आलोक इंडस्ट्री में आप लोगों को बताया था ऐसा 2 या 3 एजेंसीज को जो इन लोगों ने बैन किया है सेबी ने। अभी आप ये बताया जा रहा है सेबी ने जो है ऐसा मामले में करीबन जो है 66 आरोपियों को जो है ये लोगों ने नाम चुना है, उसके बाद 2.43 करोड़ रुपये का जो पेनल्टी लगा दिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, आगे की बात करते हैं तो परिचय इन्वेस्टमेंट में 16 आरोपियों पर सेबी ने 1.2 करोड़ रुपये का पेनल्टी लगाया। परिचय इन्वेस्टमेंट, तो परिचय इन्वेस्टमेंट शायद से आप लोगों को बहुत जन को पता रहेगा अगर किसी ने उसके थ्रू कुछ भी डील किया रहेगा परिचय इन्वेस्टमेंट के थ्रू। यहाँ पे 16 आरोपियों जो है परिचय इन्वेस्टमेंट में उसके ऊपर करीबन 1.2 करोड़ का पेनल्टी सेबी ने लगा दिया है। शेयर का भाव 36 रुपया था जो बढ़कर 399 रुपये तक पहुँच गया था। 36 रुपये का शेयर 399 तक पहुंच जाता है बहुत ही जल्दी, बाद में वो शेयर फिर से 19 रुपीज़ में आ जाता है। मतलब जब आप देखा रहेगा स्टॉक मार्केट पे कि शेयर का भाव 39 रुपीज़ चल रहा है, उस समय अगर आपने सॉरी 36 रुपीज़ चल रहा है उस समय अगर आपने लिया या फिर अगर 40, 45, 50 रुपीज़ में भी लिया, बाद में आपको मिलता उसमें देखने को मिलता है कि स्टॉक जो है कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, 399 तक पहुँच जाता है या फिर 300 तक पहुँच जाता है, उस समय आपको लगता है कि स्टॉक में बहुत जो है तेज़ी आने वाला है, आप रख देते हैं वो स्टॉक और बाद में आपको पता चलता है स्टॉक जो है 19 रुपीज़ या फिर 20 रुपीज़ में वापस आ गया है। तो ये सब जो शेयर मार्केट में खेल चलता है या फिर शेयर मार्केट में जो ये सब फ्रॉड्स होते हैं उसी के बारे में सेबी ने जो है अभी हम लोग देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली सेबी जो है ऐसे मामले को ढूंढ रहा है और इसके बारे में ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग बताना चाहेंगे कि दोस्तों यहाँ पे ऐसा जो है इन्फॉर्मेशन सिर्फ सेबी का नहीं, जो भी बंदा या फिर जो भी बंदी, मतलब जो भी लोग अपना इन्वेस्टर्स ट्रेड करते हैं उनको खुद से भी ऐसे स्टॉक के बारे में जो है हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कौन से स्टॉक में जो है खरीदना चाहिए, कौन से स्टॉक में बेचना चाहिए, क्योंकि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक्चुअली इन्फॉर्मेशन क्या है स्टॉक के बारे में वो पता होना चाहिए। शुक्रवार को कई ऐसे अलग अलग मामले में जो है सेवी ने करीबन 2.43 करोड़ रुपए का पेनाल्टी लगाया है। इसमें से कुछ कंपनीज हैं और कुछ पर्सनल लोग भी हैं, मतलब व्यक्तिगत लोग भी शामिल है। कुल 66 लोगों के खिलाफ जो है सेवी ने शुक्रवार को ये आदेश जारी कर दिया है और पेनाल्टी भी लगाया है इन लोगों पर। 5 लोग पर 10-10 लाख का पेनाल्टी लगा है। सेबी के पहले
जो 50 पेज का आदेश था उसमें कहा गया कि परिचय इन्वेस्टमेंट के मामले में उसने करीबन 16 लोगों पर 1.20 करोड़ रुपए का पेनाल्टी लगाया है। इनमें से कोई लोग पर पहले से ही पेनाल्टी लगा हुआ था और बाज़ार को जो स्टॉक मार्केट में जो भी ये लोग कारोबार करते हैं उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया था। इसमें प्रमुख लोग में से कृपा सोनी, कुणाल राणा, संजय सोनी, अमोल देसाई ऐसे करीबन कुछ लोग थे जिन लोगों पर 10-10 लाख का पेनाल्टी लगाया गया है। एक दूसरे से कॉन्टैक्ट होकर शेयर में ये लोग खेल खेल रहे थे। सेबी ने बताया कि उसने परिचय इन्वेस्टमेंट में 21 जुलाई 2010 से 30 जुलाई 2011 तक जांच की थी। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड थी। सेबी ने जांच में पाया कि करीबन 63 लोगों का एक समूह जिसे सोनी ग्रुप के नाम से जाना जाता है वो इस तमाम कंपनियों के शेयर में वॉल्यूम बढ़ाने का काम करता था। यह पा गया कि एक जुलाई 2010 से 15 अक्टूबर 2010 तक सोनी ग्रुप ने 266 शेयर में कारोबार किया। आदेश के मुताबिक इसमें से 18 लोग एक दूसरे से कारोबार के दौरान कांटेक्ट में पाए गए हैं। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो सेबी ने पर्दाफाश किया उसमें बताया कि करीबन ऐसे कुछ लोग से जो लोग शेयर्स के वॉल्यूम बढ़ाने का काम करते हैं। अभी कुछ शेयर्स का वॉल्यूम अगर बढ़ जाता है, जैसे कि अभी कोई स्टॉक मान लीजिए स्टॉक का वॉल्यूम है 50 लाख और उसमें वो 2 करोड़ 2.5 करोड़ हो गया तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये लोग आपस में ही ये सब खेल खेल रहे थे स्टॉक का वॉल्यूम बढ़ाने का, जिसमें से प्राइस जो है स्टॉक का वो भी बढ़ जाता था। एक दूसरे के खाते में भी जो है पैसे भेजे जाते थे इन लोगों का। ये लोग एक दूसरे के खाते में पैसे भेजते थे और उस पैसे से कारोबारी होता था। इसमें से कोई लोग का पता भी एक ही था। ये लोग मुख्य रूप से किसी शेयर में ग्रुप बनकर खरीदारी करते थे और जब भाव बढ़ जाता था तब वहाँ से बेचकर निकल जाते थे। सेबी ने ये पाया कि एक कंपनी के शेयर का भाव 9 महीने में 36 रुपये से बढ़कर 399 रुपया हो गया है। इसके बाद ये भाव गिरकर फिर से 19 रुपीज़ आ गया, जबकि इस कारोबार से पहले इस शेयर में कोई कारोबारी नहीं हुई थी। तो यहाँ पे आपको एक बात समझना चाहिए कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि ऐसा एक शेयर है जिसका प्राइस सिर्फ 9 मंथ्स में 36 रुपीज़ से बढ़कर 399 रुपया हो गया। उस समय जो भी ये ग्रुप इसके ऊपर काम कर रहा था, स्टॉक में जो है प्राइस बढ़ाने का काम कर रहा था, वॉल्यूम बढ़ाने का काम कर रहा था, ये कंटिन्यूसली ये स्टॉक में खरीदारी किया। उसके बाद जब स्टॉक का प्राइस बढ़ गया 399 हो गया, इन लोगों ने अपना स्टॉक बेच दिया। तो ये जो भी किया इन लोगों ने, इनको तो कुछ लॉस हुआ नहीं है, बट जो लोग इसमें इन्वेस्ट किए हैं उनको लॉस हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने स्टॉक का प्राइस जो 50 रुपये का मतलब 39 रुपये का स्टॉक अगर 40-50 रुपीज़ में मिल गया, उन लोगों ने ले लिया और उसके प्राइस फिर से कम हो गया तो उनको एक लॉस हो गया। और ये भी पाया गया कि वो सब स्टॉक में कभी शेयर हुआ ही नहीं है। सेबी ने इस तरह का कोई ऐसे कुछ एजेंसी से कुछ लोग से जिनके ऊपर करीबन 10-10 लाख रुपये का फाइन किया है और कुछ लोगों के ऊपर 5-5 लोगों का भी फाइन मतलब पेनल्टी लगाया है। कुल मिलाकर हम लोग अगर बात करते करीबन 1.20 करोड़ रुपये का पेनल्टी लगा दिया गया इन लोगों के ऊपर। तो ऐसे जो स्टॉक से हमेशा हम लोगों को ऐसे स्टॉक से दूर रहना है जो स्टॉक में ये सब होता है। तो इसीलिए आपको बहुत ज़रूरी है कौन से स्टॉक में आप खरीदारी कर रहे हैं, कौन से स्टॉक में आप बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं स्टॉक पे आप, कौन से स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि ऐसा कोई स्टॉक जैसे कि अभी बताया आपको, ऐसा कोई स्टॉक में आप इन्वेस्ट ना कर दें जो स्टॉक में हो सकता है कि आगे ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आए और ऐसा कोई एजेंसी जो आपको बताए कि पैसा देंगे तो आपको स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा जिसमें आपको मुनाफा मिल सकता है, ऐसी एजेंसी से भी दूर रहना चाहिए। दोस्तों वीडियो बनाने का मतलब यही था कि जो भी इन्फॉर्मेशन अभी सेबी से आया है और जो भी इन्वेस्टर्स है उनको इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन देना, ताकि वो लोग जब कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करें उसके बारे में अच्छी तरह से देख ले कंपनी के बारे में। वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट करते, आशा करते जो भी इन्फॉर्मेशन दिया आपको अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।